नमस्ते दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज हम तिरंगा चावल बना रहे हैं। यहाँ पर हमने 1.5 कप चावल नमक डालकर उबाल लिए हैं और 10-15 पत्ते पालक के उबाल कर उसकी प्यूरी बना ली है। 2 टमाटर की प्यूरी बनाई है। अदरक का 2 इंच का टुकड़ा कसकर ले लिया है। चलिए बनाते हैं। तिरंगा चावल बनाने के लिए हमने यहाँ पर गैस ऑन कर लिया है। अब हम 1 चम्मच घी डाल लेते हैं। अदरक जो हमने कस के ली है इसे हम आधी इसमें डाल लेते हैं। अदरक को थोड़ा भून लेते हैं। अदरक भून गई है, अब हम इसमें टमाटर प्यूरी डाल लेते हैं। इसे भी चला लेंगे थोड़ा गाढ़ा होने तक। तो चावल में हमने नमक डाल दिया था, हल्का सा और डालेंगे प्यूरी के हिसाब। एक हमने डब्बा ले लिया है जो रेक्टेंगल है और इसे हम घी से ग्रीस कर लेते हैं। टमाटर की प्यूरी गाढ़ी हो गई है, अब हम इसमें चावल डाल लेते हैं। हल्का सा केसरिया कलर भी डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये चावल बन चुके हैं, अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेते हैं। गैस हमने ऑन कर लिया है। इस पर अब हम इसे हरे चावल बना लेते हैं। पहले हम घी डालेंगे। घी थोड़ा गर्म हो गया, अब इसमें अदरक डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। गैस फ्लेम मीडियम है, अब हम इसमें पालक डाल लेते हैं। पालक को थोड़ा गाढ़ा होने तक भून लेंगे। दोस्तों चावल में हमने नमक डाला है, प्यूरी के जितना हम इसमें नमक डाल लेते हैं। पालक को हमने उबाल कर तब पीसा था तो इसका कलर बहुत ही ग्रीन है। पालक यहाँ पर भून गया है, अब हम इसमें चावल डाल लेते हैं। चावल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और कलर भी इसमें बहुत अच्छा आया है। हम इन्हें बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे 3 कलर के चावल हैं, अब हम इन्हें सेट कर लेते हैं। पहले हम केसरी रंग डालेंगे। केसरी चावल है, इन्हें हमने 80 से 90% पकाया था। इन चावलों को हम समान कर लेते हैं। अब हम व्हाइट चावल डाल लेते हैं। इन चावलों को भी हम समान कर लेते हैं। अब हम इस पे लास्ट में हरे चावल डालेंगे। इन चावलों को भी हम बराबर लेवल में कर लेते हैं। ये बनकर तैयार है, अब हम इन्हें एक प्लेट में उल्टा कर लेते हैं।
यहाँ पर तिरंगे चावल बनकर तैयार हैं। देखिए हमारा तिरंगा झंडा बनकर तैयार हो गया है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में डालिए, रेसिपी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।